मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 5 जून 2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 17 मार्च 1991। मुरली का सार है, संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्नचित निश्चिंत आत्मा बनो। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े से बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते हैं। आजकल दो प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनैलिटी और दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता, अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है और संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसी को थोड़ा, किसी को बहुत ज्यादा दिया। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती, गुण भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां है। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है, कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से दो गुण आपको, दो गुण इसको, ऐसे नहीं बांटा है। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां संतुष्टता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनैलिटी देख रहे थे कि कहां तक यह पर्सनैलिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनैलिटी में है। यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन है। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी, बाबा ने पूछा। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता। एक होता है प्रसन्न चित्त और दूसरा है प्रश्न चित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता, क्योंकि ड्रामा की नॉलेज हो गई। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसी के प्रति भी उठता तो उसका उत्तर स्वयं को पहले आता है। पहले भी सुनाया था, व्हाट और व्हाई नहीं लेकिन डॉट, क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। एक सेकंड में विस्तार, एक सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्नचित सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो,
कि ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में हैं। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? और फिर प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, इस स्टेज में सदा संतुष्ट हो? चेक करो अपने आप को, तभी बताएंगे ना हम ये संतुष्ट है कि नहीं। बाबा ने तो पूछा है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा वाचा और कर्म, स्वयं के मनसा वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो? तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो, सदा संतुष्ट हो? सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहां तक संतुष्ट है। अच्छा, तीसरा प्रश्न कि सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो? क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का, सफलता का फल यही प्राप्त करना है। क्या फल प्राप्त करना है कि स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मियां मिट्ठू मुआफिक भी संतुष्ट समझते हैं, ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने और दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट हैं, है ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनैलिटी हो, स्वयं की पर्सनैलिटी समझें और दूसरे को नहीं समझें, इसको कहा जाता है मियां मिट्ठू। खुद समझते हैं कि हम हैं, लेकिन दूसरे नहीं समझते कि हम कुछ हैं। तो बाबा कहते ये है मियां मिट्ठू, ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियां सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकती हैं। तो स्वयं को चेक करो, संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। यह दुआएं उनका विमान है, सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी, अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मणियों को देख रहे थे, हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन। तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है, यह उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो, अपने आप में अनुभव करते हो। लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहां तक नहीं रखो, उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ,
तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे और फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं कि शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया, तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसन धारी, यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं? यह वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर माने। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति के ऑर्डर मानेगी। इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, सर्व के सबका एक ही संकल्प और एक ही समय पर हो। सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन। कौन सा संकल्प होना चाहिए? परिवर्तन। और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसीलिए कहते ही हो कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा तब होगी। तो समझा क्या करना है? तपस्या इसको कहा जाता है। अच्छा, बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। अभी डबल विदेशियों की टर्न है इसलिए कहते हैं। भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है, तब तो भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया है। और इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो, भारतवासी में भी मधुबनवासी, और मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है। तो अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बन ही जाएंगे। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहाँ आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं, जब तक स्थान भी बन जाएंगे। देखो मैदान तो लंबा चौड़ा पड़ा ही है, वहां पहले से प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे, खटिया नहीं लेंगे। वह समय ही और होगा और यह समय और है। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मन सा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो तब है सेवा की तीव्र गति। मन सा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल और संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। यह तीनों अनुभूतियां एक ही समय पर इकट्ठी हों, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, तन से ठीक है, मन से ठीक है? बाबा पूछ रहे हैं कि मन से ठीक हैं, फिर भी दूर दूर से आते हैं तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं, यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। यह भी याद की विधि है, जाना है जाना है जाना है, रहता है ना बुद्धि में। यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है,
फिर जाने के साथ आना सोचते हो। ऐसा भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आबू की शोभा ये ब्राह्मण आत्माएं ही हैं। अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को सदा प्रसन्नचित निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक ही समय तीन सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो बाबा उनको पूछते हैं कि सभी अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस का विशेष कर्म क्या है? जो विशेषताएं सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आती हैं, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है। इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्व शक्तियां कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियां प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र हैं, थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना? बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है ना? मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है कहाँ? छोटे अक्षरों में तो नहीं है? माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना? जहां फुल है वहां फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण क्या होता है जानते हो? भी फेल क्यों होते हो? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई ना कोई बात फील कर लेते हो। फीलिंग फ्लू हो जाता है, और फ्लू क्या करता है पता है? कमजोर कर देता है। उससे बात छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है। तो अभी फुल बनो, फेल नहीं होना है, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। जब फलक से कहते हो ना कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना किसी और का नहीं है, तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है? तो पास रहना है और पास होना है। तो यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले हो ना? तो सबसे नंबर वन बाप की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं। बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नजदीक आए। तो अभी यूके में, अमेरिका में और विदेश के देशों में माइक निकले जरूर हैं, लेकिन एक है सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होती भी रहेगी। अच्छा, रशिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लकी हैं। आपका बाप से कितना प्यार है, अच्छा है। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश है। अभी मेहनत भूल गई है ना? अच्छा, तो बाबा ने वरदान दिया, हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं।
उन्हें ही प्राइस मिलती है। स्लोगन है, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।